मैं आशीष, मेरे यूट्यूब चैनल आशीष नरजोला में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आज मैं अपने ब्लॉग में एशियन पेंट्स के एनामेल के कंपैरिजन के बारे में एक छोटा सा ब्लॉग तैयार किया, ये फटाफट बताते हैं। ये एनामेल एशियन पेंट्स का एप्कोलाइट और दूसरा है एशियन पेंट्स का ट्रैक्टर एनामेल। ये दोनों पेंट में क्या फ़र्क होता है, दोनों में क्या क्वालिटी होती है, दोनों को कैसे इस्तेमाल करना होता है और क्या क्या प्राइस का मिलता है, आज इसी के बारे में थोड़ा सा डिफरेंट प्रोडक्ट है, डिफरेंट नॉलेज है कि क्या दोनों में क्या फ़र्क है, आज इसी के बारे में पता करते हैं। पहला है ट्रैक्टर एनामेल। ये कम रेंज का सेकंड क्वालिटी का मटेरियल है जो आपको ईजिली एशियन पेंट्स या कहीं पर भी मिल जाएगा। इसकी आपको हर तरह की पैकिंग मिल जाती है। इसका पैकिंग डार्क येलो कलर के पैकेट में आता है, टीने के डिब्बे में। इसकी पैकिंग आपको कंपनी 100 ml, 200 ml, आधा लीटर, 1 लीटर, 4 लीटर और 20 लीटर की पैकिंग बनाती है। ये अपना एशियन पेंट्स का एप्कोलाइट प्रीमियम एनामेल ग्लोजी फिनिश है। ये आपका 50 ml से लेकर के 20 लीटर तक की पैकिंग बनाती है कंपनी। ये प्रीमियम क्वालिटी होता है और ये नॉर्मल एनामेल होता है। ये हाई ग्लोज फिनिश होता है, ये हाई ग्लोज फिनिश नहीं होता। ये स्मूथ फिनिश देता है और ग्लोजी फिनिश देता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है, कम से कम 4 से 5 साल आराम से चलता है। ये ग्लोसी फिनिश होता है और 2 साल 3 साल आराम से निकल जाता है और वैल्यू फॉर प्रोडक्ट है। इन दोनों की MRP ये एप्कोलाइट अपना 410 रुपये, 420 रुपये, कलर के सेट के हिसाब से 420 रुपये, 30 रुपये MRP पे आता है 1 लीटर का। इसके 1 लीटर की MRP 315 रुपये, 310 रुपये आती है ट्रैक्टर एनामेल की। इन दोनों में आपको GP थिनर या MTO थिनर मिक्स करना होता है। पहला एप्कोलाइट में GP थिनर आपको 200 से 250 ml मिक्स कर सकते हैं। इसमें इतना आप मिक्स कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, काफ़ी गाढ़ा होता है और 200-250 ml थिनर इसमें यूज़ हो सकता है। वही दूसरी और ट्रैक्टर एनामेल है, इसमें आप कम से कम 100 ml या 150 ml ही GP थिनर या तारपिन ऑयल मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा पतला होता है और उतना ही थिनर इसमें ऐड हो पाता है। इसका कवरेज एरिया 130 से 140 स्क्वायर फीट होता है, काफ़ी ज़्यादा कवरेज होता है और काफ़ी फैलावपन मटेरियल होता है। इसका कवरेज एरिया 80 से 90 स्क्वायर फीट कवर कर पाता है या तो 100 स्क्वायर फीट कवर कर पाता है। जितना थिनर अधिक मिला देंगे थोड़ा सा कवरेज एरिया बढ़ जाएगा, मतलब इसके अपेक्षा इसका कवरेज कम होता है ट्रैक्टर का, इसका कवरेज ज़्यादा होता है एशियन पेंट्स के एप्कोलाइट में। बेस्ट बिफोर ये कंपनी जब से मैन्युफैक्चरिंग करती है 3 साल कहती है कि 3 साल ये मैन्युफैक्चरिंग से चलता है। इसका भी बेस्ट बिफोर कंपनी 3 साल बोलती है जब से मैन्युफैक्चरिंग होता है, 3 साल ये चलता है। इसकी लॉन्ग लाइफ 4 से 5 साल होती है, जो मैंने आपको बताया। इसकी लाइफ 2 से 3 साल आराम से चल जाता है। इन दोनों को आप ब्रश से, रोलर से या स्प्रे गन से अप्लाई करवा सकते हैं। इनका किस किस पे यूज़ करना होता है, आप जो है मेटल पे, लकड़ी पे या वॉल पे या प्लास्टर पे, किसी पे भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रैक्टर एनामेल भी मेटल पे, लोहे पे, किसी भी प्लास्टर पे आप यूज़ कर सकते हैं। अब बताएं जब करते हैं तो इसकी क्वालिटी कैसी होती है। क्वालिटी में थोड़ी सी फ़र्क है क्योंकि रेट का बहुत फ़र्क है, 100 रुपये का फ़र्क है, तो कुछ तो कंपनी अच्छा ही बनाती है कि भाई प्रीमियम क्वालिटी अलग हो गई और नॉर्मल एनामेल पेंट अलग हो गया। तो एप्कोलाइट का जब आप किसी पे भी लोहे पे अप्लाई करते हैं, जहाँ पे भी आप साफ़ सफाई करके, पेपर से घिसाई करके, प्राइमर करके जब इसको आप करेंगे तो काफ़ी स्मूथनेस फिनिश आती है और एकदम क्लीन सरफेस बनता है और काफ़ी ग्लोसी फिनिश बनाता है। एक कोट करने पे ही आपको लगेगा कि कोई मैंने पेंट अप्लाई किया है, मगर अगर
एक फुट और कर देंगे तो शीशे की तरह चेहरा दिखने लगेगा और शाइनिंग खूब भरपूर होती है। वहीं दूसरी ओर ट्रैक्टर एनामेल पे आप जब किसी भी सरफेस पे अप्लाई करेंगे, जैसे आप किसी लोहे पे अप्लाई करते हैं पेपर या प्राइमर करके, तो एक कोट पे आपको वो स्मूथनेस और वो शाइनिंग नहीं दिखती, मगर जब आप दूसरा कोट करेंगे तो काफ़ी अच्छा दिखेगा, ग्लोसी फिनिश आएगा और वैल्यू फॉर प्रोडक्ट है तो ठीक ठाक काम करता है। तो एप्को लाइट और ट्रैक्टर एनामेल में एप्को लाइट की जो क्वालिटी है, जो फाइन क्वालिटी देता है, वो आपको ट्रैक्टर एनामेल पे नहीं मिलता। तो इस हिसाब से दोनों में फ़र्क इतना है कि ये आपका ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, ज़्यादा दिन चलता है, ग्लोसी फिनिश देता है और जहाँ पे भी लगता है वहाँ पे पकड़ अच्छी बनाता है और लॉन्ग लाइफ होता है। इसमें भी थोड़ा सा आपको 2 से 3 कोट करेंगे तब जा कर के आपकी थोड़ी सी कवरेज अच्छी आती है, ग्लोसी फिनिश दिखता है और थोड़ा सा काम चलाने वाला काम हो जाता है। तो एक छोटी सी जानकारी थी दोनों के एनामेल पेंट की, क्या कंपैरिजन होता है, क्या डिफरेंट होता है। तो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो ठीक है, नहीं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।